धर्मक्रांति विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और धर्मक्रांति के इस विशेष श्रृंखला में इस समय हम लोग जो एक मूल्यांकन कर रहे हैं कि 14 अक्टूबर 1956 में धर्म क्रांति हुई है नागपुर में। बाबा साहब ने आज से 62 साल पहले यानी कि 6 दशक का ये जो समय बीत चुका है, इस पूरे 6 दशकों में क्या परिवर्तन हमने देखा है उस सेगमेंट में जहां लोग इस धर्म क्रांति का हिस्सा बने और उनके जीवन में किस तरह का बदलाव मिलता है, उनके राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या फिर कहें कि सांस्कृतिक क्षेत्र में। तो इसका ये जो मूल्यांकन चल रहा है इसी श्रृंखला में इस समय हमारे साथ है हिंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल, एक जाना पहचाना नाम है और अपनी बेबाक बातचीत के लिए जाने पहचाने जाते हैं। तो प्रोफेसर साहब से ये सीधे बातचीत करते हैं। प्रोफेसर साहब, जय भीम। जय भीम, शुक्रिया, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया, शुक्रिया। आपको यहाँ से बात शुरू करना चाहूँगा मैं कि इस समय 6 दशकों का ये वक्त बीत चुका है, मतलब 62 साल बीत चुके हैं। बाबा साहब ने नागपुर में बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को ये बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी। कैसा मूल्यांकन करते हैं एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में और एक इतिहास के प्रोफेसर के रूप में, क्योंकि इसे एक ऐतिहासिक धम्म क्रांति के रूप में लोग जानते हैं? मुझे लगता है कि अभी लंबा सफर हमें तय करना है कि सबसे पहली बात तो ये हमें समझनी पड़ेगी, और खास तौर से जी हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अगुवाई करते हैं, जो नुमाइंदगी करते हैं, उनको समझनी पड़ेगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तथागत ये तमाम एक वैचारिक नाव है, नाव है जी, कि वो उम्मीद करते थे अपने अनुयायियों से और आने वाली पीढ़ी से, हम सब से, कि उस वैचारिक नाव पे चढ़ के और जो मनुवाद का दरिया है उसको पार कर जाएं, अपने मुकाम पे पहुंचे, उसको कंधे पे ढोने के लिए नहीं बोले कि नाव को कंधे पे नहीं ढोना है जी, जी। नाव में चढ़ के पार कर जाना है, पहले समझना पड़ेगा बाबा साहब जी। तो एक तो बधाई है कि कुछ दिनों में हम लोगों ने मनुस्मृति का ट्रेलर देखा है, इसलिए बाबा साहब फिर प्रासंगिक हो गए हैं और भारत भर में लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं और तमाम जगह तमाम यूट्यूब टीवी चैनल के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाम हो रहा है। तो लेकिन थोड़ा सा हमने विलम्ब किया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। और ये है कि बाबा साहब ने धम्म अपनाया था उसके पहले, आप अगर देखेंगे इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे जी, तो 21 वर्ष उनको लगे जिस दिन उन्होंने घोषणा की थी, मतलब 1935 में जब उन्होंने घोषणा की थी कि हम जो है हिंदू में पैदा तो जरूर हुए हैं जी, लेकिन हम हिंदू मरेंगे नहीं। तो ये समझना पड़ेगा कि उसी समय लाहौर में जाति तोड़क मंडल में उनको बुलाया गया था जी जी बोलने के लिए, लेकिन वो आर्य समाजी लोग थे और जो बोलना था लेक्चर उन्होंने कुछ उसमें एडिट कर दिया, तो डॉक्टर अम्बेडकर तैयार नहीं हुए, बोले कि हम एडिटेड अगर भाषण पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अंत में उनको भाषण नहीं पढ़ना पड़ा और बाद में वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वो किताब उन्होंने छापी। उसके पहले अभी अगर हम बाबा साहब के राइटिंग्स को पढ़ेंगे तो जो मैंने पढ़ा है और समझा है कि बाबा साहब कहते थे, एक जगह लिखा है उन्होंने वॉल्यूम 10 में मैंने पढ़ा है, कि किसी हिंदू से पूछो कि अगर किसी अस्पृश्य के जीवन में, किसी दलित के जीवन में सुधार आ रहा है, वो अपना नाम अच्छा रख रहा है, वो अपना अच्छा खाना खा रहा है, अच्छे मकान बनवा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है या बच्चों का अच्छा नाम रख रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? तो वो हिंदू बोलेगा कि जिसको आप सुधार कह रहे हैं वो सुधार नहीं, हमारे धर्म के प्रति विद्रोह है। ये डॉक्टर अम्बेडकर लिखे, तो वो ये बात को समझ रहे थे कि जिस धर्म में हम पैदा हुए उसमें कभी समानता नहीं आ सकती, ये पूरा हायरार्की टॉप से बॉटम बना हुआ है और जिसमें सबसे अंतिम पंक्ति पे हम लोग खड़े हैं जी, है ना, जहाँ पे सबसे अंतिम पंक्ति पे है। तो जीवन भर वो समझते रहे, पूरा धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, तमाम बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़े, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और उनको इस कंक्लूजन पे आए कि वो हिंदू धर्म में कोई सुधार नहीं हो सकता है, खत्म है, सीधा मामला है। जो उन्होंने जैसा कहा भी था कि मैं एक प्रोटेस्टेंट हिंदू बनकर रह भी सकता हूँ, हाँ, लेकिन बशर्ते आप वर्ण व्यवस्था और ये जाति व्यवस्था है इसको आप खत्म कर, नहीं हो सकता है ये लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, वो तो उसके रीट है, ये जाति है कि जाति नहीं
और न जाएगी। तो 21 वर्ष उन्होंने लिया, 21 वर्ष के दरमियान उन्होंने पूरे दुनिया के तमाम जितने धर्म हैं उसका अध्ययन किया। दूसरा, अपने अनुयायियों को तैयार भी किया कि जब हम बौद्ध बनेंगे तो एक बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ, हमारे अनुयायी बौद्ध धर्म स्वीकार करें। जी, तो 21 वर्ष के अध्ययन के बाद उनको लगा कि बौद्ध धर्म मेरे लिए बेहतर है। और इस बीच कई धर्म के जो नेता थे, धर्मगुरु थे, उनसे संपर्क किए कि भाई आप ईसाई बन जाइए या सिख बन जाइए या मुस्लिम बन जाइए, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसके पीछे जो मुझे लगता है वो तीन महत्वपूर्ण कारण हैं, वो तीन बिंदु हैं। एक, उनको जो पसंद आया वो था प्रज्ञा, जो जो बौद्धों की प्रैक्टिस का एक प्रज्ञा हिस्सा है, करुणा और समता। जी, अब प्रज्ञा का मतलब है कि आडंबर, अंधविश्वास का विरोध और बुद्धि का प्रयोग, मतलब मिथ्या दृष्टि से हटके और बुद्धि का प्रयोग करना है। अब देखिए, अगर इसको फिर विश्लेषण करेंगे कि अगर हम लोग आज के दृष्टि से बाबा साहब को पढ़ें और समझें तो विश्लेषण करेंगे तो बुद्धि कैसे आएगी? बुद्धि दो रास्ते इसके हैं, एक आंखन देखी, कबीर और हमारे संतों की जो परंपरा है, संघर्ष करके, सड़क पर संघर्ष करके भी बुद्धि का विकास होता है। कबीर और संत रविदास किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए थे, लेकिन संघर्षों के अनुभव से। तो एक तो आंखन देखी है जी, दूसरा है पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए जो है वो बुद्धि का विकास संभव नहीं है। तो पढ़ने का मतलब खाली डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और प्रोफेसरी करना नहीं है, पढ़ने का मतलब है शिक्षित होना। जी जी जी। और शिक्षित होने का मतलब, शिक्षा वही है जो अपने गुलामी की जंजीरों को पहचान सके, शत्रु को पहचान सके, उसको काट सके और मानवता की ओर ले जा सके, वो है शिक्षा। तो मुझे लगता है कि अभी इस दिशा में हम लोग को और ज्यादा काम करने की जरूरत है। दूसरा, उन्होंने जो करुणा की बात, मतलब आपको ऐसा कहना है कि ये जो शिक्षा जो इस समय मिल रही है या फिर शिक्षित जो समुदाय हमें दीक्षा के बाद जो मिल रहा है वो एक सिर्फ साक्षर हो रहा है? देखिए, बाबा साहब ने एक बात कही थी जी कि शिक्षा, शिक्षित कौन है? जो अपने शत्रु को पहचानता। नंबर दो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बात तो उन्होंने दोनों सही कही, लेकिन शिक्षा के नाम पे जो हमें दिया जा रहा है पिछले 7 दशक से, उसकी सामाजिक समीक्षा भी जरूरी है कि जो शिक्षा आप और हम ले रहे हैं वो शेरनी का दूध है कि मिलावटी दूध है, ये भी समझना पड़ेगा। पहले बात समझना पड़ेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका में और इंग्लैंड में जाकर शिक्षा लिए थे, यहाँ की जो जनऊ शिक्षा व्यवस्था थी ना, उसमें वो कभी नहीं दहाड़ पाते, वो भी समझ रहे थे बात, तो विदेश जाकर शिक्षा लिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग सब जहाँ भी सम्मेलन में जाते हैं, बात करते हैं बाबा साहब के बारे में, तो बहुत बड़े बड़े नारे लगते हैं कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। बाबा साहब को कोट किए जाते हैं कि तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है, जाओ अपने दीवारों पर लिख दो और तमाम। तो लेकिन हुक्मरान कहने से तो बनेंगे नहीं। हमारा जो शिक्षित वर्ग है, जो अब एक दो जनरेशन आ गया है, उनको चाहिए कि अब बाबा साहब के अगर अनुयायी हैं तो आप सीधा जो है अपने बच्चों को अब इंटेलेक्चुअल लीडरशिप के लिए तैयार कीजिए। कलेक्टर बनने से और खाली इंजीनियर बनने से, प्रोफेसर बनने से नहीं चलेगी बात। सरकारी नौकरी का अपना एक खेल होता है, आप जाएंगे तो 60 साल जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक नौकरी करते रहेंगे, आप कुछ बोल बोल नहीं पाएंगे। तो अगर वाकई हम लोग अनुयायी हैं तो अब हमारे एक पीढ़ी को पूरे भारतवर्ष में कम से कम 1000 बच्चों को अब हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पढ़ने कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई पूरी जो सांस्कृतिक और राजनीतिक लड़ाई है, बुद्धि की लड़ाई है। और बुद्धि की लड़ाई खाली डिग्री होने से नहीं होगा, उसके लिए बुद्धि और चेतना का विकास करना पड़ेगा, और वो होगा वो भी तार्किक तरीके से जी। तो ये गंभीर काम है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि बहुजन समाज से बाबा साहब को अगर हम फॉलो करते हैं तो खाली जानिए ही नहीं, मानिए भी। मानिए बिल्कुल। तो हमें अभी सैकड़ों की संख्या में पत्रकार बनाने हैं, सैकड़ों की संख्या, हमने अभी तक एक स्कूल नहीं खोले हैं ढंग से, ये बात सत्य है जी। सैकड़ों की संख्या में वकील बनाने हैं, बाबा साहब खुद ही बहु मतलब मल्टीलिंगुअल थे, कई बहुभाषी थे, कई विधा के जानकार थे, कई भाषाओं के जानकार थे। तो हम लोग उनको मान रहे हैं तो हम लोग उन्हीं के रास्ते पर चलने की मतलब वो जो एक्सलेंसी है वो एक्सलेंसी। बाबा साहब कोई तोप से थोड़ी लड़ रहे थे, वो तो दिमाग से ही, बुद्धि से ही लड़ रहे थे ना, कलम से लड़ रहे थे। तो हमें लगता है कि अभी समय आ गया है जिसमें सैकड़ों की संख्या में इतिहासकार, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लॉयर, इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट करने पड़ेंगे।
और जब तक इंटेलेक्चुअल्स नहीं क्रिएट करेंगे, देखिए आरक्षण वगैरह से एक छोटा सा मिडिल क्लास आया, लेकिन आरक्षण अब खत्म हो रहा है, सारा जो आबाद निजीकरण हो रहा है, तो उसमें आरक्षण के कोई मायने ही नहीं रहेंगे, ये बात समझिए। तो ये पूरा जो कैपिटल वर्ल्ड है, इसमें कैसे हम सर्वाइव करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ कैसे सर्वाइव करेंगी, इसके लिए मुझे लगता है कि गहन चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये समझने की ज़रूरत है, खाली एक मंत्री बहुत आते जाते रहते हैं, लेकिन दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जीते जी मरने की तैयारी करते हैं और एक मरने के बाद जिंदा रहने की तैयारी। लेकिन मैं एक दूसरी बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप हिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं और आप बार बार कहते हैं कि मैं प्रोफेसर भले हूँ लेकिन भाई मैं छात्र हूँ, मैं इतिहास को समझ रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो घटना 62 साल पहले जो घटित हुई, इसका एक सांस्कृतिक मूल्यांकन अगर करना चाहें तो आप कैसा देखते हैं कि इससे क्या बदलाव मिला है भारत की इस सांस्कृतिक परिदृश्य में? देखिए समाज कभी स्थिर रहता नहीं है, समाज में जी बदलाव होते रहते हैं और बदलाव एक स्वतः प्रक्रिया नहीं है कि अपने आप बदलाव नहीं होता है जी, बदलाव लाना पड़ता है, परिवर्तन लाना पड़ता है, इसके लिए उसमें ह्यूमन फोर्स लगता है, ताकत लगती है। तो 62 साल में तो बदलाव आए हैं, इसमें कोई बात है, हम स्टूडियो में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, यही बहुत बड़ा बदलाव है जी जी, तो आया है, लेकिन उसकी गति अभी धीमी है। मैंने पहले कहा कि बाबा साहब जो है एक वैचारिक नाव है, उसमें बैठ के, और जो नाव खेने वाले लोग होते हैं नाविक, हमारा नाविक इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि जो ये सैलाब को पार करा दे, लेकिन नाविक लोग में थोड़ी गड़बड़ी रही है और इधर महाराष्ट्र में भी रही है, थोड़ी कमजोरी है ना, रही है इधर। बाबा साहब कहते हैं कि अपने शत्रु को पहचानो, हमारे नाविक जो है उस शत्रु के खेमा में ही जाके बैठ जाते हैं, थोड़ी सी दिक्कत रही है। लेकिन आप समझिए जी कि बाबा साहब क्या बोले थे कि खाली 22 प्रतिज्ञा रटते रहना, आज जय भीम नमस्ते करते रहना, और खाली देखिए खाली ब्लू गमछा लगा लेने से, जय भीम बोलने से कोई अंबेडकराइट नहीं हो सकता, उस पूरे दर्शन को समझना पड़ेगा हमें, और मतलब जिसके लिए बाबा साहब खप जाते हैं। और बौद्ध धर्म जो बात कर रहे थे, जो मैंने तो पहली बात की प्रज्ञा, दूसरा करुणा प्रेम जी, दो असमान समूह में कभी प्रेम हो सकता है क्या? जब हमारा समाज इतना ऊपर से नीचे तक बटा हुआ है, कहाँ प्रेम है? घृणा देख रहे हैं, संविधान को जिनको लागू करने की जिम्मेदारी थी, माता में जनेऊ लपेट के बैठे थे अपने सर में, तो कहाँ संविधान लागू हुआ? तीसरी बात जो समानता, भारत के समाज में समानता है नहीं। अगर आप 25 नवंबर 1949 के अगर बाबा साहब के भाषण को पढ़ेंगे, जो संविधान सभा के उन्होंने क्या कहा था कि हम द्वंद्व के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, राजनीतिक समानता तो मिल गई है, एक वोट सबका, लेकिन ये घोर सामाजिक और आर्थिक विषमता पे आधारित है ये समाज। अगर जल्दी इसको दूर नहीं किया गया तो इससे पीड़ित जनता जो है संसद में सुरंग बना देगी, उन्होंने कहा था। तो ये तो हमको बताना चाहिए कि भाई 70 साल में सहारनपुर क्यों हो रहा है, ऊना क्यों हो रहा है, दलित के पीठ पे डंडे क्यों पड़ रहे हैं, बलात्कार क्यों रहे, उनके जमीन क्यों छीने जा रहे हैं, उनको कहाँ प्रतिनिधित्व मिला? आरक्षण के नाम पे थोड़ा बहुत मिला, उसका भी इतना विरोध हो रहा है और उसको खत्म किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आरक्षण अपना ले जाओ, नहीं चाहिए हमें, ओरिजिनल वाला हमें दे दो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र तो वो हमें दे दोगे ना, जो कम्युनल अवार्ड के साथ। हाँ, तो वो हमें दे दो, तब तुमको मेरिट भी बताते हैं, देखते हैं हमारे पीठ पे अगर डंडे पड़ेंगे तो तुम्हारे हाथ नहीं ना, सरकार उखाड़ देंगे। तो ये समझने की बात है कि जो भी हमको मिला था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बाबा साहब पूरा जो दर्शन आपको दिए थे वो क्या दिए थे? घर में रख के भजन करने के लिए आप बहुत जय भीम नमो बुद्धाय भी बोलेंगे, और घर में गणेश जी या शंकर जी की पूजा भी करेंगे तो दोनों थोड़ी चलेगा, कैसे चलेगा? आपको जो है ना द्वंद्व से निकलिए बाहर। और मैं जानता हूँ बहुत लोगों को वो श्री गणेशाय नमः भी करेंगे और जय भीम भी करेंगे, नमो बुद्धाय भी करेंगे, तो आप जो है उनके दर्शन के साथ मजाक मत बनाइए, या तो आप कोई धर्म नहीं, नास्तिक बन जाइए, ये भी एक रैशनलिटी है, बिल्कुल रैशनलिटी है, नास्तिक बन जाइए, हमने कोई धर्म नहीं मानते हैं। तो जय भीम नमो बुद्धाय के साथ आप जो है गणेश जी और श्री पार्वती, अगर आप मानते हैं बाबा साहब को ना, तो उनको पढ़िए, घर में जितना आपने ये सिंबल्स पाले हुए हैं, कलाई में बांध रहे हैं, टीका लगा रहे हैं और जो कर रहे हैं, वो सब अपने घर से बाहर निकाल के साइड पे रोड पर रखिए। काहे का इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर है, जब आप घर पूजा करते हैं तो अनपढ़ पुरोहित से ला के आप गृह प्रवेश कराते हैं, हमारे लोग कराते हैं, वो पढ़े लिखे लोग की मैं बात कर रहा हूँ।
तो अगर आप उनको पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सबसे पहले आपको डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच हो, आप बौद्ध धर्म भी नहीं मानिए हम चलते हैं, नास्तिक हो जाइए। अच्छा, लेकिन एक बात है सर, जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है कि उस वक्त जब 1956 में बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, तो उस वक्त का जो मास था जो बाबा साहब के साथ कन्वर्ट हुआ, उसने अपने घर जाकर उनके पास जो उनके पुरातन प्रतीक जितने थे, धार्मिक प्रतीक, चाहे वो लकड़े में थे चाहे पत्थरों में थे, उन्होंने उठा उठा कर फेंक दिए, अपने घर से बाहर कर दिए। लेकिन अभी जो आप जिस ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि ये पढ़ा लिखा मास है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, लेकिन ये इन प्रतीकों को फिर अपने पास लेकर आए हैं, क्या वजह कैसे मानते हैं? उसको संस्कृतिकरण है, उसको हीन भावना से ग्रसित है। अच्छा, हीन भावना से ग्रसित है, इसीलिए ये सब कर रहा है ना कि मैं साहब के जैसा दिखूं। भाई, अपने राजनीतिक सांस्कृतिक शत्रु को पहचानिए, ये बाबा साहब बोले थे, हम थोड़ी बोल रहे हैं। तो जो आपको जो है ना पांव के नीचे दबा के रखता है, उसी को आप घर में बैठा के पाल पोस के उसको जो बड़ा कर रहे हैं, ताकि मुक्ति संभव कैसे हो, ये समझना है जी। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि देखिए, भारत में बौद्ध धर्म का जन्म यहाँ पे हुआ, 22 देश में, दुनिया भर में बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं, और भारत से में गायब हो गया बौद्ध धर्म। तो इसको समझना है दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तो बौद्धों को मारा गया इस देश में किसी जमाने में, प्राचीन काल में उनको मार मार के खदेड़ खदेड़ के भगाया गया। एक राजा हुए थे पुष्यमित्र सुंग, अगर आप जानते हो तो, बोले कि बौद्ध मंक के सर लाने पे दिनार और सोने का सिक्का दे देते। एक तो मारा गया, दूसरा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के हिसाब से हमारे बौद्ध धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे जो आवाम, जो दोस्त हमारे देखेंगे इस प्रोग्राम को, उसका भी हिंदूकरण हो गया एक तरीके से। उसमें भी मैं कई जगह देखा हूँ कि जैसे उसमें पुरोहित है वैसे शादी में जाइए तो उसी तरह का मोर और लेस जो है वो रिचुअल्स होता है, दान दक्षिणा वहाँ भी चल रहा है। ये सब को बंद करिए और सीधा दूसरे लेवल पे आप, बौद्ध धर्म का मतलब भिक्षु होने का मतलब, अनुयायी होने का मतलब है, उपासक होने का मतलब है कि घर घर जाके प्रचार कीजिए बौद्ध धर्म का। हमने प्रचार नहीं किया ना, आप चलिए हमको बोध गया ले चलते हैं सारनाथ, हमको बताइए कहाँ हम लोग प्रचार कर रहे हैं। अगर हम लोग प्रचार सही से किए रहते तो 6 में ये भारत अब बौद्धमय होने के कगार पर रहता। इसलिए मैंने पहले कहा ये परिवर्तन होता नहीं है, लाना पड़ता है कि लोग, अब जैसे संघ से सीखिए, वो तो घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं ना, आपको कलई में बद्दी बांध रहे हैं। तो हम क्या लगता है, इसलिए बाबा साहब के प्रति हम लोगों ने, हमको और ज्यादा सचेत होने की जरूरत है और डर भय निकाल कर निडर होकर काम करने की जरूरत नहीं। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो प्रचारक हैं, ये प्रचारक कैसे बन जाएंगे, क्या इनके प्रशिक्षण की भी कोई आवश्यकता होगी? जाहिर है जो बौद्ध मठ हैं, आप जहाँ भी बौद्ध मठ हैं या जो बौद्ध विहार हैं, उसमें एक व्यवस्थित तरीके से इनकी पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलानी चाहिए। और बौद्ध भिक्खु का क्या काम था कि वो घर घर घूम के प्रचार करेंगे और वहाँ से जो समाज खाना देगा खाना खाना है। इनको घर घर जाके और सरल भाषा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, हिंदी, सरल हिंदी में बोलना है, मगही में बोलना है, भोजपुरी में बोलना है, यहाँ आएंगे, आप यहाँ आएंगे तो मराठी चाहे गोंडवी जो भी भाषा है, लोकल भाषा है, उसमें जब तक हम अपने अनुयायियों को नहीं समझाएंगे कि तथागत चाहते क्या थे, कैसा समाज चाहते थे, हम लोगों को ही समझाया थोड़ी, हम लोग तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख के ही समझे इस चीज़ को जी, तो हमको कोई समझाया रहता तो और तेज़ी से समझते। तो ये जब तक हम घर घर में जाके नहीं फैलाएंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं, कैसे बौद्ध में भारत बने, बाबा साहब का सपना कैसे पूरा होगा? हमको राजनीतिक शत्रुओं को पहचानना है, सांस्कृतिक शत्रुओं को पहचानना है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं और अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा कारवा? लेकिन ये है कि पिछले कई वर्षों में जो हमारी नई पीढ़ी आई है, जो विश्वविद्यालयों से खासतौर से और जो रिसर्च में, मीडिया में और तमाम ऐसे, उन लोगों ने धीरे धीरे इस कारवा को बढ़ाया है। देखिए, हम कोई निराश नहीं है जी जी, हम समीक्षा करने बैठे हैं। हाँ हाँ, कि मुझे अच्छी बात है कि मैं नागपुर में बैठा हूँ आपके स्टूडियो में आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि शत्रु से लड़ना भी नहीं चाहिए, सीखना भी चाहिए। लीडर्स जो है ना चुनाव में नहीं तैयार होते हैं, लीडर्स स्कूल में तैयार होते हैं जी। इसलिए बाबा साहब ने कहा था ना, शिक्षित बनो, उन्होंने स्कूल खोले थे, कॉलेज खोले थे, अखबार निकाले थे। ये बेसिक लड़ाई संस्थाओं की लड़ाई है। बौद्ध मठ को क्यों उजारा गया? क्योंकि जैसे वहाँ पे मंदिर में शिक्षा दिए जाते थे वैसे बौद्ध मठ में भी शिक्षा दी जाती थी, भिक्षु निकलते थे प्रचार करने, तो उसको उखाड़ा इसलिए गया कि वो फ्यूचर का लीडर तो
बौद्ध मठ में तैयार होंगे, उसी तरह स्कूल कॉलेज में तैयार होते हैं। तो हमारे लीडर्स अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दें कि हमारे बहुजन बच्चे, देखिए शिक्षा के नाम पे तो हमें मिलावटी दूध मिल रहा है, ये आप मान लीजिए। जब हमारे पढ़ने की चेतना आई तो आप देख ही रहे हैं, स्लेट छीन के प्लेट पकड़ा दिया है, बोला है खिचड़ी खाओ। सरकारी स्कूल में कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी को जानबूझ के ख़त्म किया जा रहा है, मारा जा रहा है, यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है पूरा। तो हमारे लोग जाएंगे कहाँ, पढ़ेंगे कहाँ? फिर हमको फिर उसी युग में जो है मनु के युग में वापस करने की तैयारी है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपने नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा है, इन मुद्दों को बारीकियों को समझिए। MLA MP मिनिस्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लीडर बनना बड़ी बात होती है, और लीडर वही बनता है जो जन आकांक्षाओं को समझता है और जो ठीक तरह से लीड कर समाज को दिशा दिखाए। डॉक्टर अम्बेडकर के ज़माने में कितने कैबिनेट मिनिस्टर थे नेहरू के कैबिनेट में, बताइए मुझे, किसका नाम जानते हैं? 70 साल में बहुत कैबिनेट मिनिस्टर आए गए चले गए, लेकिन हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब को जानते हैं, उन पर चर्चा हो रही है, 21वीं से सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही दुनिया भर। तो ये हमें कहना कि बाबा साहब के सपनों को जो जय भीम लोग बोले नेता से, उनसे पहले पूछना है स्कूल खोले, कॉलेज खोले। तो अपना स्कूल कॉलेज नहीं खोलेंगे तो दुश्मन के स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे तो उसी की भाषा बोलेंगे, तो भाषा ही बदल जाएगी। तो सर एक बात फिर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा धम्म क्रांति को हम लोग जो देख रहे हैं, इसका अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर इसका प्रतिबिंब देखें तो आपका अपना अध्ययन क्या कहता है? क्योंकि एक लंबे समय से आप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र का आप अध्ययन भी करते हैं और उसका एक्टिविज्म भी आपके पास है, एक बड़ा समाज अभी जो है ना एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है जी, और जिनके खिलाफ हम राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं उनको इस बात का क्रेडिट जरूर दीजिए कि ईमानदार हैं, और वो बस हजारों साल से उनकी संस्थाएं रही हैं, मठ मंदिर रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग चलती रही है। अब RSS बना 1925 में, तो 90 साल लगे नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में, तो इसका तो क्रेडिट दीजिए कि कई जनरेशन वो मिट्टी में मिलता है तब तैयार करता है लीडरशिप। तो मुझे लगता है बहुत चर्निंग बहुत फास्ट हुआ है, और पिछले एकाध दशक में मैं देख रहा हूँ, चाहे हम दिल्ली में चाहे कहीं भी, ये बदलाव आया है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हमें इंटेलेक्चुअल लीडर्स तैयार करने हैं, आइडियोलॉग्स तैयार करने हैं, और अब जनता सचेत हुई है। अभी मनुस्मृति का ट्रेलर हमने देखा 4 बरस में जी जी, तो ट्रेलर देखा तो उसका प्रतिक्रिया भी आपने 2 अप्रैल उसका प्रतिक्रिया भी आई, 2 अप्रैल आपने देख ही लिया कि व्हाट्सएप पे भारत बंद हो लिया। तो समाज जाग रहा है, संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, और हमारे नेताओं को चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए लीडरशिप तैयार करें। बहुजन स्कूल ऑफ लीडरशिप खोले, स्कूल कॉलेज, उसमें आइए हम लोग MLA MP लोगों का भी क्लास लेंगे, बहुजन स्कूल ऑफ लीडरशिप। ये जो सेगमेंट है इसे हमें एक चुनौती के रूप में स्वीकारना होगा एकदम, और महाराष्ट्र में ही हो, बाबा साहब यहाँ क्यों खोले थे, क्यों यहाँ दम परिवर्तन किए थे, बहुजन स्कूल ऑफ लीडरशिप जिसमें लीडरशिप की पूरी ट्रेनिंग हो, पूरा इतिहास संस्कृति पढ़ाई जाए। हम तो नेताओं से, हम लोग तो शिक्षक लोग हैं, नौकरी 5 दिन करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, और 2 दिन जो छुट्टी मिलता है, अभी ब्रेक है इसलिए आपके पास आया हूँ, सेमेस्टर ब्रेक है, तो शनिचर इतवार भी हमारे लिए, शनिवार और रविवार मेरी कोई छुट्टी नहीं होती है, 7/24/7 वर्किंग होता है। तो 2 दिन जो मैं पढ़ता हूँ, जो समझता हूँ, देश के कई भागों में लोग बुलाते हैं, वहाँ जा के अपनी बातें साझा करता हूँ, मतलब यही भाई मैं पे बैक टू दी सोसाइटी कर सकता हूँ कि मैं रेस्ट नहीं लेता हूँ, जो मुझे संभव है, जो संभव है जी। लेकिन हम तो समाज में काम करना है ना, समाज को जगाने हैं, सवाल पूछिए, अपने नेताओं से भी पूछिए जी, कि जब रोहित मामूला हो रहा था तो आप कहाँ थे, किधर थे, जब पार्लियामेंट हमारे 2,83,000 करोड़ रुपये 35 साल में वापस चले गए तो आपकी आवाज़ क्यों नहीं निकली, जब उधर घर जलते हैं दलितों के, आदिवासी को नक्सल बता के मारे जाते हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं उसको अर्बन नक्सल कह दे रहे हैं, तो अर्बन नक्सल है तो अर्बन मनु भी तो होगा, अर्बन मनु भी तो होगा जो माथा में अपने सर में जनेऊ लपेट के काम का, हम तो जानते हैं, हम तो बड़े देश के बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय से लेके तमाम सब कुछ देखते हैं वहाँ पे कैसे फंक्शनिंग होती है। तो इसलिए बहुत ही गंभीर तौर है, और मुझे लगता है कि हम समाज में इसलिए घूम रहे हैं कि समाज, एक जीवंत समाज वही होता है जो लगातार अपने लीडर से भी सवाल करे। डॉक्टर अंबेडकर के अगर 25 नवंबर के भाषण को ही अगर देखे 1949, तो उन्होंने क्या कहा था कि बड़े से बड़े आदमी की इज्जत करने में कोई कसर न छोड़े,
बोला था उन्होंने जी, लेकिन कभी इतना ना अपने आप को सरेंडर, भक्ति के मार्ग में ना जाएं, वरना वो ईश्वर आंख नहीं बंद कर लें, हाँ वो ईश्वर बन जाए, आंख नहीं बंद करें, ये भक्ति धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है और आप निष्क्रिय हो जाएंगे, हाँ धर्म में मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में तानाशाही को जन्म देने वाली प्रवृत्ति होती है। ये डॉक्टर अम्बेडकर, इस पूरी बातचीत को सर अब हम समेटना चाहेंगे क्योंकि ये वक्त अब पूरा होता रहा है। आपसे एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि इन 62 सालों की इस धर्म क्रांति पर आप क्या कहेंगे एक छोटी सी टिप्पणी के रूप में। टिप्पणी ये है कि समाज बदल रहा है, बदलना है और इसके लिए हमें लगातार सतत प्रयास करना है, पढ़ना लिखना जरूरी है और ये प्रयास स्वतः नहीं होगा, लाना पड़ेगा और इसके लिए संघर्ष होंगे और हमें शहादत के लिए और पीठ पे डंडे खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कि बाबा साहब के कोट के साथ मैं ये ख़त्म करूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर, नथिंग इज़ मोर डिसग्रेसफुल फॉर ए ब्रेव मैन than to live a life devoid of self-respect। कि एक बहादुर इंसान के लिए जो है ना सबसे बड़ी चीज अगर है तो आत्मसम्मान और स्वाभिमान है। तो अगर क्यों डंडे पड़ रहे हैं ये, क्योंकि जैसे जैसे आप कोट और शर्ट बढ़िया बढ़िया पहन रहे हैं ना तो सामने वाले को ठीक नहीं लग रहा है, मूंछ ऐसे रखने से डर जाता है लोग, बुलेट मोटरसाइकिल अगर दलित चले तो लोग परेशानी हो रही है ना, तो ये सब कैसे बदलाव आएगा, संघर्ष के द्वारा आएगा। और संघर्ष तो संघर्ष के लिए शहादत देनी पड़ती है, इसके लिए हमें समाज को तैयार करना है, ये संदेश है। इस समय हम लोग ये जो बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर रतनलाल से, आप समझ रहे होंगे कि चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसे होती नहीं है और जो नहीं दिखती है उन्हें देखने की जरूरत पैदा होना और उसको देखने की दृष्टि प्राप्त होना ये सम्यक दृष्टि का हिस्सा है। बाबा साहब ने धम्म क्रांति जब की तो इस धम्म क्रांति के साथ जो आर्य अष्टांगिक मार्ग पर विश्वास करने की जो बात कही है उसमें एक अंग जो है वो है सम्यक दृष्टि और इसकी बहुत ज़रूरत है। प्रोफेसर रतनलाल इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देकर हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है जी, तो बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि अगर दृष्टि नहीं होगी तो आप चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाओगे और जब धुंधल का होता है तब दृष्टि और भी तेज करनी होती है। तो इस समय जब हम लोग ये 6 दशकों का जब मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम अपने आप को इस बात के लिए भी तैयार करें कि हम अपने सफ़र का मूल्यांकन कैसे करें कि हम पहुँच कहाँ रहे हैं, हम चल कैसे रहे हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। धम्म क्रांति विशेष में यहाँ पर रुकते हैं। प्रोफेसर साहब आप हमारे साथ आए, इतनी व्यस्तता में आपने हमें ये वक्त दिया और हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।